Hello everyone. In the last lecture, we had started the chapter number 4, the freedom struggle of 1857. And in this part of the chapter, we had learned about the struggle before 1857. After that, we had learned, do you know, then we had learned about the Umaji Naik and the other leaders are there. After that, we had learned some part of this chapter, and now today we are going to learn about the causes of struggle of 1857. Okay, then now listen carefully. During pre-British period, there were many kingdoms in India. So India ke andar jo pre-British period tha, matlab British aane se pehle bahut se sare kingdoms the. Whatever changes took place at the center never affected the village system. So मतलब जब तक किंग थे तब तक विलेज सिस्टम में किसी भी तरह के चेंजेस वहाँ पे नहीं हुए थे. द विलेज सिस्टम कंटिन्यू एज इट इज. तो विलेज सिस्टम जो थी वो जैसी थी वैसी चल रही थी. बट द ब्रिटिश चेंज द प्रिवेलेंट सिस्टम एंड ट्राई टू सेट अप अ न्यू सिस्टम. तो पहली सिस्टम चेंज करके वो दूसरी सिस्टम को स्टार्ट करना चाहते थे. कौन? ब्रिटिश. लुकिंग एट द चेंजिंग नेचर ऑफ विलेज सिस्टम क्रिएट अ फीलिंग ऑफ इंस्टेबिलिटी एंड इनसिक्योरिटी इन द माइंड ऑफ द पीपल. तो इस तरह की न्यू सिस्टम की वजह से जो विलेज के पीपल थे उनके मन में कुछ शंकाएं वहाँ पे आई. मतलब उन्हें ऐसा लगने लग गया कि अब इंस्टेबिलिटी वहाँ पे हो गई है, उसके साथ साथ इनसिक्योरिटी उनके दिलों में आ गई जो भी लोकल पीपल थे उनके. तो ऐसी सारी चीज़ें थी. तो जिसमें से जो फर्स्ट कॉज है फ्रीडम स्ट्रगल 1857 का, तो वो इकोनॉमिक कॉज है. तो वो किस तरह से, चलो ध्यान दो. तो द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड द न्यू revenue system to increase their income. Taxes were forcibly extracted from the farmers. तो जो ब्रिटिश है उन्होंने जो इनकम सिस्टम है, मतलब इनकम टैक्सेस जो है ना, रेवेन्यू सिस्टम जो है उसमें कुछ बदलाव करती है. तो उन्होंने फोर्सली फार्मर्स की तरफ से टैक्स लेना शुरू कर दिया. एज अ रिजल्ट ऑफ इट द एग्रीकल्चर सिस्टम कोलैप्स. और जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर सिस्टम है गाँव की वो कोलैप्स हो गई, वो गिर गई, एग्रीकल्चर सिस्टम खराब हो गई. टू सेल द ब्रिटिश गुड्स इन इंडिया एंड एन्जॉय प्रॉफिट वॉज द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश. तो ब्रिटिश लोगों की पॉलिसी क्या थी, वो इस तरह से थी कि वो अपने ही चीज़ों को बेचेंगे, मतलब ब्रिटिश गुड्स जो है उन्हें बेचेंगे और इंडिया से प्रॉफिट कमाएंगे. ओके, दे इम्पोज हैवी टैक्सेस ऑन द लोकल इंडस्ट्रीज. तो लोकल इंडस्ट्रीज के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़्यादा टैक्सेस वहाँ पर लगा दिए. द हैंडीक्राफ्ट एंड द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया वेयर रुइन. तो इंडिया के अंदर के जो हैंडीक्राफ्ट्स थे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, उनकी हालत बुरी हो गई है ना, खराब हो गई. मैनी इंडियन आर्टिसंस बिकेम अनएम्प्लॉयड. तो बहुत से सारे इंडियन आर्टिसंस जो थे, मतलब जो भी काम करने वाले स्किलफुल पर्सन, आर्टिसंस मतलब स्किलफुल पर्सन जो थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए, उन्हें काम नहीं रहा है ना, क्योंकि ब्रिटिश पीपल अपनी इंडस्ट्री से बना हुआ गुड्स इंडिया के अंदर आकर बेचते हैं. तो इंडियन मटेरियल जो आर्टिसंस थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए, उन्हें काम नहीं रहा. दे हैड ग्रोविंग डिसकंटेंट इन देयर माइंड अगेंस्ट द ब्रिटिश. तो ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट में जो ये पीपल है, इंडियन पीपल, उनके दिलों में डिसकंटेंट वहाँ पे, डिससेटिस्फेक्शन आ गया. ये कॉज वहाँ पे रहा. नेक्स्ट कॉज है सोशल कॉजेस. द इंडियन फेल्ट दैट द ब्रिटिशर्स वेयर इंटरफियरिंग इन द कल्चर, ट्रेडिशन एंड कस्टम्स ऑफ इंडिया. तो दूसरा सोशल कॉज ये रहा कि जो ब्रिटिश पीपल है ना, वो इंडिया के जो, मतलब इंडिया की जो सोसाइटी है उसके अंदर उनका कल्चर, उनका ट्रेडिशन और जो कस्टम है, इंडिया की जो कस्टम है उसके अंदर इंटरफियरेंस कर रहे हैं. तो ये चीज़ जो सोशल पीपल हैं या सोसाइटी में बिल्कुल एक्सेप्टेबल वहाँ पर नहीं थे. उसके साथ साथ सटी प्रोहिबिशन देन विडो मैरिज एक्ट वेयर करेक्ट फ्रॉम सोशल पॉइंट ऑफ व्यू. अगर सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो सती प्रैक्टिसेज जो थी वो एक बुरी कस्टम वहाँ पे थी. उसके साथ साथ जो विडो मैरिज है वो एक अच्छी चीज़ थी. मतलब कोई विडो जो है वो फिर से शादी करना चाहती है और अपना घर बसाना चाहती है, तो ये एक अच्छी चीज़ है. वो अच्छी चीज़ है ब्रिटिश लोगों ने इंडिया के अंदर लाई. बट द इंडियन थ्रू आउट दैट इट वॉज एन इंफीरियर एंड देयर लाइफ स्टाइल एंड हेंस दे वेयर डिससेटिस्फाइड. तो इंडिया के अंदर जो पीपल है उनकी जो लाइफस्टाइल है, उनकी जो सोसाइटी है, उनके जो कस्टम्स है, उनके अंदर इंटरफियरेंस करके
जो इंडियन पीपल हैं उनके दिलों में वहाँ पे डिससेटिस्फेक्शन या डिसकंटेंट वहाँ पे आ गया, जिसकी वजह से ये फ्रीडम वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 का वहाँ पे इमर्ज हुआ। देन नेक्स्ट कॉज इज देयर पॉलिटिकल कॉज। आफ्टर 1757 द ब्रिटिश टुक चेंज ऑफ मेनी इंडियन स्टेट्स। तो 1757 से लेकर के जो ब्रिटिश पीपल हैं उन्होंने इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनमें बहुत से सारे बदलाव लाए। लेटर लॉर्ड डेलहाउसी एनेक्स्ड मेनी प्रिंसली स्टेट ऑन वेरियस कॉजेस। तो ब्रिटिश ऑफिसर डेलहाउसी, लॉर्ड डेलहाउसी ये इंडिया के अंदर आए और उन्होंने बहुत से सारे प्रिंसली स्टेट और जो स्टेट्स हैं उन्हें एनेक्स कर लिया ब्रिटिश रूल के अंडर में। मतलब एनेक्स किया मतलब क्या, मिक्स कर लिया, ब्रिटिश रूल के अंडर में ला दिया। द नवाब ऑफ अयोध्या वॉज डिथ्रोन ऑन ग्राउंड्स ऑफ माल डिमिनिस्ट्रेशंस, वेयर एज द प्रिंसली स्टेट ऑफ सातारा, नागपुर एंड झांसी वेयर एनेक्स्ड थ्रू द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो आगे चल करके अयोध्या के जो नवाब थे वो डिथ्रोन कर दिए गए, मतलब उन्हें उनके किंग के अहदे से हटाया गया, डिथ्रोन कर दिया गया मतलब निकाल दिया गया। और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उनकी जो भी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें कुछ गलत चीज़ें हैं ये बता करके। उसके साथ साथ उस सातारा, नागपुर, झांसी ऐसे जो स्टेट थे और प्रिंसली स्टेट थे उन्हें भी लैप्स कर दिया गया, मतलब अपने ब्रिटिश जो रूल है उसके अंदर लाया गया, उनके अपनी खुद के रूल्स वहाँ पे नहीं रहे। ड्यू टू द पॉलिसीज ऑफ डेलहाउसी द इंडियंस डिड नॉट कंसिडर द ब्रिटिश एज ट्रस्टवर्दी। तो इस तरह के जो ब्रिटिश लोगों के रूल्स थे जिसकी वजह से जो इंडियन पीपल हैं उन्हें किसी भी तरह का ट्रस्ट जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर नहीं रहा। देन द नेक्स्ट कॉज इज देयर दैट इज डिसकंटेंट अमंग द इंडियन सोल्जर्स। तो जो इंडियन सोल्जर्स थे उनके दिलों में भी वहाँ पे डिससेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आ गई। और वो किस तरह से आ गई, द इंडियन सोल्जर्स वेयर गिवन लो स्टेटस बाय ब्रिटिश ऑफिसर्स। तो जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो इंडियन सोल्जर्स को एक अच्छा स्टेटस वहाँ पे नहीं दे रहे थे, मतलब जिस तरह का ऑनर उन्हें मिलना चाहिए, जिस तरह की फैसिलिटीज मिलनी चाहिए वो फैसिलिटीज इंडियन सोल्जर्स को नहीं मिल रही थी। दे कुड नॉट अगेन एनी पोस्ट हायर दैन द सूबेदार। सूबेदार के ऊपर जो भी पोस्ट है वो इंडियन सोल्जर्स को कभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में नहीं मिली थी। दे वेयर पेड लेस कम्पेयर टू द ब्रिटिश सोल्जर्स। तो ब्रिटिश सोल्जर्स जो थे उन्हें ज़्यादा पेमेंट मिलती थी और जो इंडियन सोल्जर्स हैं उन्हें कम पेमेंट वहाँ पे मिलती थी। द अलाउंसेस वेयर ऑल्सो ग्रेजुअली डिक्रीजेस। और जो भी सारे अदर अलाउंसेस थे वो भी कम मिलते थे इंडियन सोल्जर्स को। ड्यू टू दिस रीजन्स देयर वॉज अ ग्रोविंग डिसकंटेंट अमंग द इंडियन सोल्जर्स। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो मतलब इंडियन सोल्जर्स के दिलों में डिसकंटेंट करने के लिए कॉजेस रहे, मतलब जो इंडियन सोल्जर्स हैं वो डिससेटिस्फाइड रहे ये सारी चीज़ों को लेकर के। देन द नेक्स्ट कॉज वी कैन से दैट द इमीजिएट कॉजेस। इन 1856 द ब्रिटिश प्रोवाइडेड लॉन्ग एनफील्ड राइफल टू द इंडियन सीपॉयज। द सीपॉयज वेयर रिक्वायर्ड टू बाइट द एंड ऑफ द कार्ट्रिज। द न्यूज स्प्रेड आउट ऑफ दिस कार्ट्रिज वेयर स्मियर्ड इन द फैट ऑफ काउ एंड पिग। ड्यू टू दिस रिलीजियस सेडिमेंट्स ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम सीपॉयज वेयर हर्ट एंड मेड देम अनहैप्पी। देन द इमीजिएट कॉज वॉज लाइक दिस। जिस तरह से आप जानते हो कि जो ब्रिटिश पीपल थे उनके मिलिट्री के अंदर कुछ इंडियन सोल्जर्स भी थे, है ना। तो ये जो इंडियन सोल्जर्स थे ऊपर यहाँ पे जो भी सारी मतलब डिसफैसिलिटीज जिसे हम कह सकते हैं जो ब्रिटिश ऑफिसर्स ने या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें दी थी वो तो उनके दिलों में मतलब डिसकंटेंट था। उसके अलावा दूसरी एक चीज़ हुई कि 1856 में जो ब्रिटिश पीपल हैं उन्होंने एक नई राइफल यानी गन जो है वो इंडियन जो सोल्जर्स थे उनको प्रोवाइड की, जिसका नाम था एनफील्ड राइफल्स। ओके, तो ये जो एनफील्ड राइफल्स थे उनके जो बुलेट्स हैं यानी उनके जो भी बुलेट्स हैं वो एक कार्ट्रेज के अंदर कवर्डेड थी, और जो कवर उस कार्ट्रेज को या उस बुलेट को लगाया गया था वो काऊ एंड पिग इनके फ्लैश का था। तो जिसकी वजह से होता क्या था कि इंडियन सोल्जर्स में टू रिलीजन वाले पीपल ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे थे, हिंदू एंड मुस्लिम। हिंदुओं के लिए
काऊ यानी गाय जो होती है वो बहुत ही पवित्र होती है, और जो मुस्लिम कम्युनिटी के पीपल है उनके लिए पिग ये निषिद्ध वहाँ पे होता है। तो उनके फ्लेश को मुंह के अंदर लेकर उस कार्ट्रिज को तोड़ना ये उनके रिलीजियस थिंग को या उनके रिलीजन को हर्ट करने वाली चीज़ वहाँ पे थी, जिसकी वजह से सभी के सभी जो हिंदू और मुस्लिम सीपॉइज थे वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो गए, अनहैप्पी हो गए। द आउटबर्स्ट, तो ये आउटबर्स्ट किस तरह से हुआ देखो। डिसिप्लिनरी एक्शन वॉज टेकन ऑन द ऑन दोज सीपॉइज हु रिफ्यूज टू यूज द स्मियर्ड कार्ट्रिज एंड वेयर गिवन सेवर पनिशमेंट। मंगल पांडे फ्रॉम बराकपुर कंटेनमेंट शॉट एन इंग्लिश ऑफिसर एज अ रिएक्शन टू अनजस्ट नेचर ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स। तो ये जो सारी चीजें हैं, बहुत से सारे जो सोल्जर्स हैं उन्होंने इस चीज को अपोज किया, लेकिन बराकपुर कंटेनमेंट में एक सोल्जर था जिसका नाम था मंगल पांडे, वो भी इंडियन सोल्जर लेकिन ब्रिटिश मिलिट्री में वर्क कर रहा था। तो उसने एक ब्रिटिश ऑफिसर जो थे उन्हें मार दिया इस मैटर को लेकर के, मतलब रिलीजियस हर्ट को लेकर के बराकपुर कंटेनमेंट में एक इंग्लिश ऑफिसर को मंगल पांडे ने शूट कर दिया, मार दिया। मंगल पांडे वॉज अरेस्टेड एंड हैंग्ड टू डेथ, तो जिसकी वजह से मंगल पांडे को अरेस्ट कर लिया गया और फांसी दी देगी। दिस न्यूज स्प्रेड लाइक फायर, तो ये जो न्यूज है एक आग की तरह पूरे इंडिया के अंदर फैल गई। देन द एंटायर रेजिम ऑफ द इंडियन सीपॉयज एट मेरठ टुक पार्ट इन द फ्रीडम स्ट्रगल एंड मार्च टूवर्ड्स द दिल्ली। तो ये खबर पूरे इंडिया के अंदर जाने के बाद जो इंडियन सीपॉयज हैं मेरठ के सीपॉयज, उन्होंने भी इस फ्रीडम स्ट्रगल में पार्ट ले लिया और दिल्ली की तरफ सब लोगों ने मार्च किया। थाउजेंड्स ऑफ इंडियन वॉलंटियर्स जॉइंड देम ऑन द वे, और रास्ते में बहुत से सारे जो इंडियन वॉलंटियर्स हैं उन्हें आकर मिल गए। दे हैंडेड द फ्रीडम स्ट्रगल टू मुगल एम्परर बहादुर शाह एंड प्रोक्लेम्ड हिम एज एम्परर ऑफ इंडिया। तो उन्होंने ये जो स्ट्रगल की पूरी जो मतलब लीडरशिप है वो मुगल एम्परर बहादुर शाह के हाथ में दे दी और डिक्लेयर कर दिया और प्रोक्लेम क्या कर दिया कि ये मुगल एम्परर जो बहादुर शाह है वो इंडिया के एम्परर है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज देयर स्कोप ऑफ द स्ट्रगल, तो इस स्ट्रगल का जो स्कोप है जो विड्थ है वो कितनी रही थी। द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ द सीपॉयज इंक्रीज विद द कैप्चर ऑफ दिल्ली, जब दिल्ली को कैप्चर किया गया तो जो सीपॉयज थे या जो सोल्जर्स थे इंडियन सोल्जर्स उनके कॉन्फिडेंस वहां पे बढ़ गया। इट ऑल्सो गेव इंस्पिरेशन टू अदर सोल्जर्स, और इसी चीज ने जो अदर सोल्जर्स हैं उन्हें इंस्पायर किया। द रिवोल्ट सून स्प्रेड इन नॉर्थ इंडिया, अब ये रिवोल्ट जो है वो नॉर्थ इंडिया की तरफ भी स्प्रेड हो गया। द इंडियन सोल्जर्स रिवोल्टेड इन कंटोनमेंट फ्रॉम बिहार टू राजपुताना, तो ये जो मतलब सोल्जर्स है उनका रिवोल्ट कहाँ से कहाँ तक हुआ, बिहार से लेकर राजपुताना तक। द रिवोल्ट स्प्रेड इन लखनऊ अलाहाबाद कानपुर बराकपुर बनारस देन बरेली एंड झांसी, लेटर इट स्प्रेड टू साउथ इंडिया, तो जो भी मतलब नॉर्थ का जो रीजन है ये लखनऊ इलाहाबाद कानपुर बनारस बरेली और झांसी यहाँ तक ये स्प्रेड हुआ, और उसके साथ साथ साउथ इंडिया की तरफ भी ये जो स्ट्रगल है वो बढ़ा। इन द रिवोल्ट छत्रपति प्रताप सिंह ऑफ सातारा एंड हिज ऑफिसर रंगो बापूजी देन चीमा साहेब ऑफ कोल्हापुर देन बाला साहेब भावे ऑफ नारगुंड देन भोगजी नाइक ऑफ अहमदनगर वेयर इन द फोरफ्रंट, तो ये सारे जो लीडर्स हैं वो इस स्ट्रगल में सबसे आगे रहे थे। रॉयल क्वींस ऑफ पेट देन सुरगाना फ्रॉम नासिक डिस्ट्रिक्ट तो पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्रगल, तो इस स्ट्रगल में ये सारी चीजें भी ये सारे रीजन भी पार्टिसिपेट थे। इन 1857 अंडर द लीडरशिप ऑफ कजर सिंह द बेल्स रिवोल्ट देन वेयर एज शंकर शाह लेड टू रिवोल्ट द सातारा रीजन। 400 फीमेल्स बिल्स पार्टिसिपेटेड इन द रिवोल्ट एट खानदेश, तो खानदेश की तरफ से कुछ बिल फीमेल्स जो थी 400 फीमेल्स वो पार्टिसिपेट हो गई यहाँ पे।
तो इस तरह से ये फ्रीडम स्ट्रगल का स्कोप वहां पे रहा। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज देयर लीडरशिप ऑफ द स्ट्रगल। तो ये स्ट्रगल की जो लीडरशिप है जिसके बारे में हम जानते हैं, स्ट्रगलशिप ऑफ लीडर ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी सी ए के दौरान आफ्टर द वीकनिंग ऑफ मुगल एम्परर इन्वेडर्स लाइक नादिर शाह अब्दाली अटैक इन इंडिया। तो नादिर शाह अब्दाली ने इंडिया के ऊपर अटैक किया। द मराठा अंडरटुक द मुगल एम्परर कैनॉट रिएक्ट टू दीज फॉरेन इन्वेंशन एंड टुक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेफ गार्डिंग इंडिया। तो आगे चल करके जो मुगल एम्परर हैं उन्होंने किसी भी तरह से, मतलब ये जो फॉरेन इन्वेशंस जो थे उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। तो मराठा पीपल जो है उन्होंने अपने हाथ में अपने खुद की सुरक्षा संभाल ली। देन द मराठा फॉट अगेंस्ट द अब्दाली इन पानीपत फॉर द सेम रीजन। और इसी तरह के सेम रीजन की वजह से जो मराठा पीपल है उन्होंने अहमद शाह अब्दाली के अगेंस्ट में पानीपत में वहां पे वॉर कर दिया था। इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 द डिसेंडेंट ऑफ मुगल्स बहादुर शाह वॉज इनकैपेबल ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो आगे चल करके 1857 की फ्रीडम में जो मुगल बहादुर शाह थे वो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि वो ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट में वहाँ पे फाइट करने के कैपेसिटी उनके अंदर नहीं या इनकैपेबल है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द कंडीशन नाना साहेब पेशवा रानी लक्ष्मीबाई एंड झांसी रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी एंड तात्या टोपे टुक अप द चार्ज ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। तो आगे चल करके 1857 के स्ट्रगल का चार्ज जो है वो रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी के थे उसके साथ तात्या टोपे, उसके बाद नाना साहेब पेशवा उन्होंने अपने हाथ में ये जो लीडरशिप है ले ली। इट्स इफेक्ट कुड बी सीन ऑन द हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन द स्ट्रगल। तो इस स्ट्रगल में हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है वो वहां पे दिखाई दी। देन मौलवी अहमद अल्लाह कुंवर सिंह मुगल कमांडर भक्त खान देन बेगम हरजत महल लेड द रिवोल्ट इन वेरियस रीजन्स। तो ये सारे लोगों ने अलग अलग रीजन्स में वहाँ पे रिवोल्ट किया। द नेचर ऑफ द रिवोल्ट इन दिल्ली कानपुर लखनऊ झांसी वेस्ट बिहार वॉज मोर फायर्स। तो ये सारे एरिया में ये जो रिवोल्ट है वो सबसे ज्यादा वहाँ पे फायर्स था। ओके नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज देयर दैट इज क्रशिंग ऑफ द स्ट्रगल विच वी विल लर्न इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके।